मुंबई में हुए हादसे को लेकर नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा, धृतराष्ट्र गद्दे पर बैठे हो तो कौरवों का राज्य आएगा ही, ऐसा अनुभव आज मुंबई वासी कर रहे हैं। मुंबई में हुए हादसे को लेकर नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री को सवाल करते हुए कहा, 9 जून को शास्त्री नगर में एक अवैध निर्मित इमारत गिर गई, जिसकी वजह से 17 लोग मौत से लड़ रहे हैं और एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। आप आज तक उस जगह पर गए भी नहीं है। मुंबई में 40 फीट पर निर्माण प्रतिबंधित है, लेकिन अपनी वोट के लिए ये लोग मुंबई के बाहर से आए लोगों के लिए निर्माण की अनुमति दे रहे हैं। और क्या इस सब में आपकी मौन सहमति है? यह सवाल लोगों के मन में है। एक तरफ विपक्ष को अनाधिकृत निर्माण का नोटिस भेजना, तो दूसरी तरफ हमारे अपने नगर सेवक इस अनाधिकृत निर्माण की अनुमति दे रहे हैं और आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। आप जनता के मुख्यमंत्री हैं या कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी? यह सवाल आज लोगों के मन में बैठा है। ऐसी प्रतिक्रिया आज आमदार नीतीश राणे ने दी है। मुख्यमंत्री महोदय, सिंहासनावर धृतराष्ट्र बसला असेल तर कौरवांचं मर्जीचं राज्य येतं हेच आज मुंबईकर अनुभवत आहे। 9 जूनला आपल्या निवासनाच्या हकेच्या अंतरावर असलेला शास्त्रीनगरमध्ये एक अनधिकृत इमारत ढासळली। 17 जण आज आपल्या मृत्यूशी झुंज देत आहे। एका 40 वर्षा तरुणाचा बळी गेलेला आहे। या घटनास्थळी आजपर्यंत आपण भेटी दिलेली नाही। मुंबईमध्ये 40 फुटावर बांधकाम करण्याला बंदी आहे, पण मतांच्या राजकारणासाठी मुंबई बाहेरून आलेल्या लोकांसाठी बांधकाम हे आपलेच नगरसेवक परवानगी देत आहेत। आणि या सगळ्याला आपली मुकसंमती आहे का हा प्रश्न आज जनतेच्या मनामध्ये आहे। एका बाजूला विरोधकांना अनधिकृत बांधकामासाठी नोटिसेस पाठवायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला आपलेच नगरसेवक या अनधिकृत बांधकामाला परवानगी देत आहे आणि आपण एक चकार शब्दही काढत नाही आहात। आपण जनतेचे मुख्यमंत्री आहात की विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी नगरसेवकांचे आहात? हा प्रश्न आज जनतेच्या मनामध्ये दृढ होत चाललेला आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।